नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पुलिस परेड ग्राउंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 141 रिक्रूटमेंट का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दीक्षांत परेड का आयोजन मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी अनिल कुमार यादव की उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि ने सभी प्रशिक्षणार्थियों की परेड का अभिनंदन किया। आज की दीक्षांत परेड के बाद रिक्रूट आरक्षित पुलिस सेवा की कार्य प्रणाली में सम्मिलित हो जाएंगे। मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि ये बड़े सौभाग्य का अवसर है कि परेड की सलामी देखने का अवसर मिला है। आजकल ऐसे पुलिस जवान विभाग में आ रहे हैं जो शिक्षित है, पहले शिक्षण वाले विभाग में भर्ती हुआ करते थे। भर्ती के दौरान ही हम लोगों को यह विश्वास हो जाता था कि हम किस प्रकार की प्रशिक्षु को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। संविधान के अनुसार दिए गए प्रदत्त अधिकारी और नागरिक की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। दीक्षांत परेड के बाद 141 प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक श्री यादव ने प्रदान किए। पुरस्कार और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह, CO नगर व लाइन विकास जायसवाल, स्थानीय अभिसूचना निरीक्षक ऋषि शर्मा, राम रतन सिंह प्रतिसार निरीक्षक समेत कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, आज हरदोई पुलिस ग्राउंड में यहाँ पर 141 जो रिक्रूटर अच्छे हैं अपना 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये आज डिस्ट्रिक्ट प्रशिक्षण में जा रहे हैं। इन्होंने आज क्योंकि जो 6 महीने में सीखा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सिखलाई जाती है इनको, उसका जा करके आज फील्ड में अनुभव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सिखलाई जाती हैं उनको, चूँकि यहाँ थ्योरेटिकल का नॉलेज दिया जाता है, जाकर यूपी पुलिस में हमारे आज जो जवान जा रहे हैं देश की सेवा और प्रदेश की सेवा में, वो अपराध और अपराधियों के नियंत्रण, बाकी जो भी बहुत सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है, उनका वहाँ पे देश की सेवा में योगदान देते हैं। धन्यवाद। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।